हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रश्नों का धुआं धुआं है और सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सभी चैप्टर करेंगे और ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट है, जैसे कि आप लोग का एग्जाम होने वाला आप सभी को पता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है, आपका हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या CDP हो। तो चार ऑप्शन है, बी एफ इसके ना बिल्कुल नहीं इसका राइट अगर आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया अल्बर्ट बंद्रा, बिल्कुल नहीं, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, नोम चॉम्स्की। ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सार्वभौमिक गुण पाए जाते हैं, जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो किसने कहा था, तो ये आपके नोम चॉम्स्की कहते हैं, बाय इनट उसमें क्या होती है, लैंग्वेज। इन्होंने LED की बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ठीक है, जो सूर्य चलता है तो बताइए, ऑप्शन है परा अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी दिया केंद्रियता, ऑप्शन सी दिया सजीव चिंतन, ऑप्शन डी दिया वस्तु अस्थाय। तो देखिए, जब सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है ना, तो बच्चा जैसे 6-7 साल का रहता है ना, तो उसको लगता है ना कि हम चल रहे हैं, तो बच्चा भी चल सूर्य भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे सूर्य नहीं चलता, वो क्या करता है, निर्जीव को सजीव बना देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सजीव चिंतन। ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग में वो क्या करता है, निर्जीव चीज में वो क्या करता है, जान डाल देता है, सजीव। उसके बाद नेक्स्ट, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी ए सीन, ऑप्शन सी दिया गया डार्विन, ऑप्शन डी दिया स्टर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके जैसे आपके डिटेप्रेस के राइट आंसर क्या होगा, डार्विन के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मानवीकृत, ठीक है, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है, तो चार ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका विश्वसनीयता है, वैधता होता है, मानक होता है, तो ये आपका मानवीकृत परीक्षण का क्या होता है, अर्थ होता है, जिसमें आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ आ चुका है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इधर कॉल्सनिक, ऑप्शन बी दिया गया पिया, ऑप्शन सी दिया स्किनर, ऑप्शन डी दिया हॉरलॉक के द्वारा। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, यहाँ पे देखिए पियाजे तो होगा नहीं, अगर मैं बात करूँ तो पियाजे ने चार स्टेजेस की बात करते हैं, जो आपका सीक्वेंस में बताया था, कि यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्किनर। ठीक है, स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्यक्तित्व विकास की अवस्था पूछा गया है, जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है, तो चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, इसमें ईमानदार, ठीक है, राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया है कि राइट आंसर पर्सोना। ठीक है, पर्सोना व्यक्तित्व विकास की बात की गई है, ऑप्शन डी अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी दे व्यक्तित्व अध्ययन, ऑप्शन सी दे उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी दे इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व मीन्स क्या होता है, आपका पर्सोना, पर्सनालिटी से लिखे कि उसकी अवस्था क्या होती है, तो अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ की बात की गई, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन आ चुका है, तनाव और क्रोध की अवस्था पूछा गया, तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ होगा, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई ठीक है डाउट नहीं होना चाहिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका 12 से 18 साल की एज होती है, जिसे हम तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं, और ये किसके द्वारा दिया गया था, अगर किशोरावस्था कहा जाता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है एडोलेसेंस, और ये आपके सी इज़ द राइट आंसर होगा, GS स्टेनेहॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था की अवधि होती है ये क्या थी, आधी और तूफान की तरह होती है, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिस बुक का नाम था एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बालक का विकास परिणाम क्या है पूछा गया है, बालक का विकास परिणाम, तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया वंशानुक्रम, ऑप्शन बी दिया वातावरण, ऑप्शन सी दिया गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका विकास से पर्यावरण पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, आपका मैथ्स में भी पूछा जाता है एक नंबर के लिए, CDP में पूछा जाता है, आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर वंश अनुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, और दोनों का कितना कितना रोल होता है, 50-50 का। उसके बाद चलते हैं शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा गया, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया स्नायुमंडल, ऑप्शन बी दिया स्मृति, ऑप्शन सी दिया अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी दिया समय। तो राइट आंसर स्नायुमंडल इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, अगर मैं यहाँ से बात करूँ शारीरिक विकास का, तो जो आपका स्नायु मंडल होता है ये जीवन प्रयत्न आपका शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास होता है जीवन प्रयत्न चलता रहता है, और विकास शारीरिक विकास जीवन प्रयत्न नहीं चलता है, ठीक है, ये एक लिमिट होता है, लेकिन जो विकास होता है ना सीखने का वो जीवन प्रयत्न चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चार ऑप्शन दिए, अब यहाँ पे अलग अलग आंसर दिए गए थे किताब में, इसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ऑप्शन भी दिया लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी दिया बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी दिया छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको क्या होना चाहिए, अच्छे अच्छे में लिखावट होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता तो होनी चाहिए, लेकिन बी से बेटर आपका ए इज द करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब बच्चे को अच्छे से लिखेंगे नहीं तो बच्चा समझेगा क्या, पढ़ेगा क्या, तो सबसे अच्छी लिखावट होना चाहिए एक टीचर के रूप में, जब भी आप टीचर बनेंगे तो वहाँ पे सबसे आप इन सबसे पहले तो आपको लिखावट अच्छी होनी चाहिए, क्लियर वहाँ पे लिखेंगे और अच्छे तरह से लिखेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण, ए इज़ द राइट आंसर, अच्छी लिखावट, ठीक है। प्राइमरी के टीचर जो होते हैं आपके 1 से 5 ने पढ़ाने वाले, तो यही सब काम किए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड रहता है उसमें अच्छे से लिखे क ख ग घ, जैसे सीनियर के पढ़ाते हैं ABCD अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछी। सबसे पहली स्टेज है जो उन्होंने चार स्टेज की बात की थी, तो इसी आपका हो जाएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं ये आपका, ठीक है। यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं, ठीक है, ये आपका किसी किसी बुक में 0 से लेकर 2 वर्ष की दिया गया है, या किसी किसी बुक में जन्म से लेकर, लेकिन जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे प्रथम ये अवस्था दिया गया था, फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पहला होता है, सेकेंड 2 से लेकर 7 वर्ष का आपका सेकेंड होता है, 7 से लेकर 11 थर्ड होता है, और 11 से लेकर 16 वर्ष का 4 वर्ष है, ये चार स्टेज आपको पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो चार ऑप्शन दे, ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये तो आपका एक तरह से स्टेट्यू टाइप का और मिथ हो जाएगा, ऑप्शन बी दे लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी दे बुद्धि का लिंग से संबंध, बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो होता है लिंग से कोई संबंध नहीं होता है कि लड़का बुद्धिमान है लड़की बुद्धिमान है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूछा गया था सत्य पूछा गया, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, लड़की लड़के दोनों इक्वल होते हैं और उसमें कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए कि लड़कियां, ये अगर बोलेंगे कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं या लड़के कम हैं तो ये आपका एक तरह से स्टेट्यू टाइप्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य, ठीक है, जो काउंसलिंग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं या ट्रेनर होते हैं, उनका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर, तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को समझाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दिया है बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, ये भी सही है, जब हम टीचर्स रहते हैं तो उनका हम समझाते हैं, उनको बच्चों को समायोजन में सहायता कर दें, एडजस्टमेंट होने की सहायता कर दें, तो यहाँ पे राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, ठीक है, उनको हमें अगर मोरलिटी सिखाना है, मोरल सिखाना है तो किस तरह सिखाएंगे, ऑप्शन ए दिया गया है वहाँ पर, ऑप्शन ए दिया गया है धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बिल्कुल नहीं, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर, शिक्षक का आदर्श में जो व्यवहार करेगा, जो टीचर है आप टीचर हो जाएंगे तो जैसा आप बिहेव करेंगे ना बच्चे के सामने व्यवहार करेंगे, बच्चा आपके सेम टू सेम वहाँ पे करके एजुकेशन करना शुरू कर देगा, तो बच्चों में हम नैतिकता की स्थापना कैसे करेंगे, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बिल्कुल सही, ऑप्शन सी दिया उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर सी बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, ऑप्शन ए दिया व्यावसायिक स्कूल बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी दिया पब्लिक स्कूल ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है किंडरगार्टन जिसको हम क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेल जो थे इन्होंने किस पे फोकस दिया था अगर मैं बात करूँ तो किंडरगार्टन, और इन्होंने कहा तो ये आपके